ड्यूटी करता रहता, तब तक कुछ गलत नहीं होता, लेकिन मेरी बीवी के केस में उंगली करके मेरे बारे में जाने बगैर इस गांव में कदम रख के मुझसे डरने वाली जनता के आगे मुझ पे हाथ डालने की जरूरत की, बस वो गलत किया। डैडी। देख देख तू कैसा पुलिस वाला है बे, सिर्फ 1 किलोमीटर भागने पर ही तेरी सांस फूल गई है। डैडी। डैडी। हो गया, नेक्स्ट तू मार बे, उसके बाद वो मारेगा। कौन है रे यहाँ जिसने घास के पीछे दुकान लगा रखी है? बास तो कड़क आ रही है। क्यों रे, कौन सी सिगरेट है रे? तेरे पिता से कहूंगी तो वही सिगरेट देंगे ना। बाप रे। ठीक है, मैं जाके बताती हूँ। आंटी आंटी, इसने किया आंटी? कब किया? बोल रहा था सिगरेट फूकने से 100 साल तक जीते हैं। तेरे पापा को ये बात बताती हूँ कि सिगरेट पीने से 100 साल जीते हैं। बताती हूँ। अरे आंटी, भरसा है और सिगरेट चाहिए। अरे ये तूने क्या किया? तो और क्या करता, उसने मेरे घर पे जाके बोल दिया ना तो पापा मेरी पीठ पे अपने हाथ का पूरा नक्शा बना देंगे। रुको रे तुम लोग, डरो मत, मैं हमारे लिए कुछ सोचता हूँ। देख लेना, मेरे पापा ने अगर मुझे मारा मैं तेरा नाम लिख के कुएं में कूद जाऊंगा। इसकी तो अब क्या करें, इस मुसीबत से कैसे बचूं यार? अरे पापा भी आ रहे हैं। क्यों रे, खेतों में गया नहीं क्या? नहीं गया यार, खाली बैठा है। हाँ, तुम्हारी बीवी घर में नहीं है क्या? है ना। जो बात है वो बोलना ही चाहिए। तुम्हारी बीवी का मन सोने जैसा है। उस दिन सत्यवती से खाने के लिए पूछा तो तुरंत चिकन लाके दे दिया। परसों की बात है, मैंने कहा कि सिरदर्द हो रहा है, उसने कॉफी लाकर दे दिया। मेरी बीवी ऐसी है। मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है, भगवान भला करेगा यार। ये कहाँ से आ गया? मेरे मामा जी का टी शर्ट तुम्हारे घर में? अच्छा, इसीलिए तब से मेरी बीवी की तारीफ कर रहा है तू? अच्छा अभी देखता हूँ तुझे। अरे मुझे कुछ नहीं पता, ये यहाँ पर कैसे आ गया? मुझे असल में तुझे नहीं बे, क्यों रे? आ रहा हूँ तेरी तो, तुझे देखता हूँ मैं अब। बाप रे। क्यों सत्यवती, हिसाब बराबर हुआ या और भी तमाशा दिखाऊं? सीनू, बदतमीज कहीं के, तेरा सत्यानाश हो और मिट्टी में मिल जाए तू। क्यों बे, एग्जाम की पढ़ाई की तूने? रात को 8 बजे राहुकाल शुरू हो गया था। तो फिर? फिर 10:30 बजे नींद आ गई और मैं सो गया। चल अब तू अपनी बता। कल सुबह 8 बजे ही 24 फ्रेम्स में मैंने रामगोपाल वर्मा का इंटरव्यू देख लिया। दोपहर तक मैंने डायरेक्टर बनने का फिक्स भी कर दिया, इसलिए फिर रात को 3 फिल्म देख के सो गया। हमारा तो तूने सुन लिया, अब बता तूने पढ़ाई की क्या? अपना बताऊं क्या? ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये पूरे 9 स्लिप्स हैं। इधर उधर घुमा के लिखेंगे तो काफी होगा। तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, हमारे पूरे ग्रुप का हीरो तू ही है सीनू। चने के झाड़ पे बहुत चढ़ा लिया, पहले ये बबल गम ले ले। ये किस लिए है? वेट करने के लिए। बच्चों कोई भी चीटिंग करने की कोशिश मत करना। अगर कोई भी स्लिप्स के साथ पकड़ा गया तो एग्जाम नहीं लिखने दूंगी।
गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। लिख लिया क्या? रात को मैंने बहुत पढ़ाई की और सारा लिख दिया सर। रात भर पढ़ाई की या चिट बनाई? सर क्यों, रात को अगर पढ़ाई की तो ये क्या है? मुझे क्या पता सर, वैसे भी मैं मेहनत से पढ़ाई करके इस गांव की कलेक्टर बनने की सोच रही हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं ये चिट लेकर आई हूँ, कोई और लाया होगा सर, आप खुद ही पता कर लीजिए। टॉपिक हम पे आएगा ऐसा लग रहा है। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो सर, हमें एग्जाम्स नहीं ठीक से लिखने दोगे क्या? कुछ बात करनी है तो आप बाहर जाओ सर। क्यों, बहुत अच्छा बोला। बाहर कर दिया इसलिए रो रही है क्या लिली? रिजल्ट से पहले परेशान होना कॉमन है, फेल होने के बाद रोना रूटीन है। अगले साल बिना स्लिप लाए पास हो जाना लिली। बाहर कर दिया इसलिए नहीं रो रही हूँ। तो फिर मुझे बाहर किया ये पापा को पता चला तो दो बार मारेंगे, किताब गुम होने का पता चला तो चार और मारेंगे, इसीलिए रो रही हूँ। ये जो बुक मिली है शायद तुम्हारी है। ये ले लिली। हा? थैंक यू सीनू। थैंक्स क्यों लिली, हमारे जाने के बाद किताब खोल के देख लेना, अगले साल भी काम आ जाएगी। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, रुकू या चली जाओ? अरे इसकी तो बाप रे। क्यों, तुमको अब तक वीडियो मैसेज नहीं मिला क्या? कौन सा वाला? भांजा वहाँ पे नाचने गाने वाले के पास गया है। आहा, नाच गाना हो रहा है पर गाने वाली यहाँ है, यहाँ देखो। अरे तेरी तो। फिर क्या समझे? ये कौन है राम बाबू? स्क्रीन वही पे है, पिक्चर वही पर है, ये सब हमारे सीनू का स्क्रीन प्ले है। हाँ सच है क्या? बीवियों का और पतियों का फाइट ब्लॉक वहाँ लगाया है। हाँ। नाचने वाले लड़कियों को यहाँ ब्लॉक कर दिया है। पप्पा क्या स्क्रीन प्ले पसंद आया क्या? नहीं, लड़कियों को देख के क्या चीज है। क्यों रे, लड़कियां अभी तक नहीं आई? एडवांस तो रात में ही दे दिया था, फिर क्या हुआ? मिस्टर मोगल्स, समंदर में आके बहुत समय हो गया है, और अगले 5 मिनट भी अगर तुम लोग यहाँ रुकोगे तो तूफान आने का डर बना रहेगा, इसलिए अपने अपने घर पे जाके वहाँ पर ढोल बजाना, ओके ना? एंजॉय। ए शिनू, तुझे छोड़ेंगे नहीं। देखिए देवियों, आपके घर का यजमान बने रहने के लिए और आपके पति की सुख शांति के लिए अभी के अभी यहाँ से चली जाइए, क्योंकि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। Thank you.
देखने के बाद फोन गिरेगा ही ना। छोड़ ना यार। ए, सुन, क्या कर रही है लिली? ये क्या कर रही है? चल चल यहाँ से। जल्दी भाग। अरे जल्दी भाग। ओह माय गॉड, लिली चली। क्यों रे, मेरी बेटी के पीछे पड़ा है? अच्छा, तेरी बेटी का फिगर बहुत अच्छा है ना? एक और शब्द बोला तो दांत तोड़ दूंगा। हरामखोर, तू यहाँ दिखा तो तेरे बाप को बोल दूंगा। चलो रे, कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसलिए ज्यादा उछल रहा है। क्यों रे, गांव में आवारागर्दी खत्म हो गई क्या? ओहो, मतलब मैटर पूरी तरह पोस्ट हो गया। चलो अच्छा है। बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती हुई सोचती है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। पीने के बाद देखने से क्या होगा, नहीं देखने से क्या होगा, ऐसा नहीं सोचा क्या बिल्ली ने? सोचा है तो, रोग होने से भी सुख मिलता है कहते हैं। सुनिए जी, क्या हुआ? क्यों माँ, फ्रूट फेशियल है क्या? खूबसूरती बढ़ाने के लिए। चलो खाना दो मुझे। मुझे दो। ये लो। सबके जैसा नहीं है मेरा बेटा, उसे बस अकल होनी चाहिए, अच्छा करने के लिए या बुरा करने के लिए। मैं भी वही तो बोल रहा हूँ, कुछ भी करने का कैपेसिटी रखने वाला आवारा बन के घूम रहा है ये यामा। इसकी तो बार बार याद आ रही है, याद करके क्या होगा। वो तो वैसे भी अपने रेंज की लड़की है नहीं, लेकिन इतनी बार उसकी याद क्यों आ रही है? देखना पड़ेगा। अब कैसे देखूं उसे? फायर। और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। 1 2 3 आग 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 लग गई यहाँ पे। भांजा क्यों है यार? यहाँ पर है। अरे वो अपना भांजा सीनू जैसा है। भांजा? अरे भांजे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे यहाँ पे तो आग लगी है, चलो और आग लगाते हैं। अरे करने वाला तो मैं ही हूँ, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? आग मुझे दे। चलो आग लगाओ, मेरी मदद करो। आग आग आग। अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग। दरवाजा खोलो। अरे बुझाता हूँ। फास्ट। अरे बाप रे। अरे पानी, पानी कहाँ है? ये क्या हो गया? अरे जल्दी आ। जल्दी जल्दी। अरे पानी डालो उधर। हाँ उधर उधर। हाँ उधर ठीक से पानी डालो। अब बुझाता हूँ। अरे देखो। जा। आग फैल रही है। कभी कभी शरारत करता है, पर ऐसे जरूरत पड़ने पर मदद करने भी पहुंच जाता है हमारा सीनू। फिर नहीं तो क्या, अपना सीनू कमाल है। हराम खोर। थैंक यू सीनू। आप अगर वो हाथ छोड़ेंगे तो इस एपिसोड का एक छोटा सा फिनिशिंग टच देती हूँ। अम्मा, अरे यहाँ पे रहेंगे तो हम भी फंस जाएंगे। ऑलरेडी वो पास आ गए। हम भाग जाते। चलो। तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं तुम यहाँ क्यों आए हो? वो मेरी फ्रेंड है। पापा गांव में नई आई है ना, लाइन मारने के लिए आए हैं साहब। इतनी रात को घास में आग लगा, हमने कुछ और सोचा था। ये सब तेरा काम था क्या शीनू? तेरी तो थू। क्यों रे, गांव में लड़कियों को जीने नहीं देगा तू? बोल, जीने देगा या नहीं बोल। ओए
अब बोल रही हूँ ध्यान से सुन ले। सिर्फ इसे ही नहीं, किसी भी लड़की को आंख उठा के देखने से डरेगा, समझा सीनू? इट्स माय ओपन चैलेंज। बहुत देखे हैं तेरे जैसे। बाप रे, ये क्या? बाप रे, ये भांजा यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पे नहीं होना चाहिए था भाई। इश्क पूरा करने के लिए तपस्या करने वाले ऋषि की तरह पोज में कैसा बैठा है रे? अब तो छोड़ दे यार। अरे भाई, दुनिया में अगर किसी को भूख लगे तो वो खुद खाता है, ऐसे दूसरों को नहीं खिलाता। भांजे, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, ऊपर से ये ठंडी, कोई नस अगर पकड़ ली तो संसार बसाने के लायक नहीं रहूंगा। जैसे कि अब काम में आएगा ऐसा लग रहा है क्या? अबे डायरेक्टर, हाँ, ये बातें बंद करके जो काम बोला है वो कर, नहीं तो काउंटिंग फिर से शुरू हो जाएगी, उसके बाद तो सोच लेना। उतनी फैसिलिटीज की जरूरत नहीं है भाई, सो जा सो जा। मैं और नहीं करूंगा। इश्क तू करे और पूजा हम? भांजे भांजे, रोक देते हैं यार। तू कहाँ से मिल गया भाई हमें? इस गांव के दोनों मंदिरों में मेरा बाप ही पुजारी है। अगर यहाँ पे मेरा बाप आ गया तो यही सोचकर बोलेगा कि मेरे बेटे में भक्ति कैसे बढ़ गई है, सोच के दिल के दौरे से मर जाएगा। उसके बाद गांव के पुरोहित का काम मुझे ही संभालने को देगा, वो मुझसे नहीं होगा। अगर मैं अपने लिए ही प्रार्थना करूंगा तो वो स्वार्थ होगा, और वही अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं तो वो त्याग होगा। एक चांस दे यार, मेरा डायरेक्शन और मेरी चतुराई क्या है तुझे बताता हूँ। वो लड़की हमेशा तेरे आगे पीछे ही घूमेगी। हाँ भांजे, वो लड़की आ गई। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मुझ पे भरोसा रखो, हैदराबाद से सीनियर मोस्ट जूनियर आर्टिस्ट को बुलाया है, परफॉर्मेंस एकदम तगड़ा होगा। भांजे, वो लड़की आ रही है। चलो 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 चलो। मामा, वो बहुत पास आ गई है। जूनियर आर्टिस्ट को आने के लिए बोला था लेकिन अब तक वो आए क्यों नहीं? रुको रुको रुको, जो कुछ बताया है वो सब याद है ना? सब कुछ याद है सर। ये बात, इस सीन में अगर तुमने कुछ कर लिया तो मेरी नेक्स्ट मूवी में हीरोइन तुम ही होगी। हाँ, लड़की आ गई है, चाओ चाओ जाओ जल्दी। हमारी मदद करो सर, हमारी जिंदगी आप ही के हाथों में है। क्या हुआ? बचा लो हमें सर। प्लीज हमारी मदद करिए सर। आपकी प्रॉब्लम क्या? प्लीज हमारी जान बचाइए सर। मामा, इस गांव में किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास ही क्यों आ रहे हैं? भगवान ने मुझे ही इतनी जिम्मेदारियां क्यों दी हैं पता नहीं। एकदम ठीक कहा भांजे। आसपास के गांव में किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो वो सब तुम्हारे पास चले आते हैं। पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जो मुझे तुम्हारे जैसा भांजा मिला। असल में मेरे पास बस करो, वो आ गई है। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। अरे अरे अरे, रोइए मत जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा मेरा भांजा इमीडिएटली सॉल्व कर देगा। सुनिए भांजे, ये शायद डायलॉग भूल गए हैं, तुम मैनेज कर लो। तुम्हें कोई भी समस्या हो मैं संभाल लूंगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, पुण्य मिलेगा। क्या कह रहा है? कंधे पे हाथ रख के बात क्यों कर रहा है? ओनली दूर खड़े होकर बात करने के लिए हम माने थे। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये ऐसे ही हाथ डाल के बात करता है, थोड़ा कोऑपरेट करो ना प्लीज। क्या कोऑपरेट करूँ? हाँ, हमें क्या उस टाइप का समझा है क्या? ओए, सीनियर मोस्ट जूनियर आर्टिस्ट है हम। अरे तुम तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो ना, पुण्य मिलेगा। फिर भी हाथ डाल के बात कर रहा है बे। हाथ निकाल, पहले निकाल, चल। हाँ जे। ए, तू आ इधर, तूने क्या कहा था और ये लोग क्या कह रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता, नहीं पता। कैमरे के बगैर शूटिंग नहीं करते, पर तुम नहीं मानती हो। अबे रुक, कहाँ जा रहा है? भांजे, लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है, मैं चलता हूँ। अरे बेवकूफ, तुमने उन्हें 2,000 दिए, मैंने दिए 10,000। बाय। तीन पति खेल रहा है क्या?
रोज दूसरा गेम खेलता था मामा, आज मैंने नया गेम डाउनलोड किया है, तीन पत्ते। हाँ चालू हो गया। हाँ चल अभी दुखी में मस्त है ना। हाँ इक्का डाल। अभी डालता हूँ, संभाल के। हाँ मैं जीत गया। तू जीत रहा है। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से बिगड़ रहा है। हाँ ये सच है, इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा हर पिता यही समझता है कि उसका बेटा अपनी दोस्तों की वजह से बिगड़ गया है। सुनिए एक दिन पूरा उस शिनू के साथ घूमो, वो कितना अच्छा है वो आपको पता चल जाएगा। अरे शांत हो जाओ। अरे कैसी जिंदगी हो गई, मन में शांति नहीं है भांजे। घर जाता हूँ तो तेरा बाप सिर खाता है, और बाहर रहता तो लिली मेरा जान खा जाती है। इसीलिए खेल में एक नया ट्विस्ट आया मामा। ट्विस्ट? आओ दिखाता हूँ। और कितना दूर चलना पड़ेगा? और नहीं चला जाएगा। जिस दिन से मैं इस गांव में आई हूँ ना, तब से या तो तू मुझे चला रही है या फिर भगा रही है। तुझे शौक है तो अकेली चलना। किसी बेवकूफ ने जानबूझ के किया है, वरना नया टायर ऐसे पंचर होता है क्या? चला। You are absolutely right. क्यों? इसका और तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है, पर मेरा और इसका बहुत ही गहरा संबंध है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, चाहिए क्या तुम्हें? ऐसे डायरेक्टली पूछोगी तो कैसे चलेगा? हाउ? हमें भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। मतलब एक्चुअली में बात करने के लिए कुछ नहीं है तो हम जा सकते हैं? निकलो। चीप कही के हटो यहाँ से। हटो उस कही के। भाई इतनी मेहनत से टायर पंचर किया था, आसानी से क्यों जाने दिया? उसने कुछ पूछा इसलिए हमने कुछ कह दिया। और अगर उसे पसंद नहीं आया और उसने चप्पल से मार दिया तो उसके बाद अपना सिर निकाल के उसके बीप में रखना होगा। ओए लिली रुक, पंचर शॉप जा रही हो? क्यों बे, दिखाई नहीं दे रहा क्या? आंखें कौवा ले गया? ये क्या कर रहे हो? अब जाके ठीक करवा लो, चलो जाओ यहाँ से। पागल कहीं के। बेवजह उससे झगड़ा क्यों करना? मुझे जरूरत है। देख तू किसी भी गांव में जाएगी ऐसे लोगों से तेरा सामना होगा। इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर तुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैं स्ट्रेस ले रही हूँ इसलिए नहीं कि वो तेरे पीछे पड़ा है, मेरा उसके साथ बहुत पुराना हिसाब किताब है। पुराना हिसाब किताब? जिस पर बीतता है ना उसको पता चलता है कि पेन क्या होता है। उस बेवकूफ के चक्कर में एक साल में स्कूल नहीं जा पाई, ऊपर से घर वालों ने मुझे बहुत काम करवाया। सोचती हूँ ना तो आज भी मुझे उस गोबर की बदबू याद आ जाती है। पर ये तो 15 साल पुरानी बात है, छोड़ ना यार। इसमें छोड़ने वाली क्या बात है? और तुम उसकी फ्रेंड हो या मेरी फ्रेंड हो जो उसको सपोर्ट कर रही हो? ठीक है महारानी, अब मंदिर में तो शांत रहे, चल। राशि ये पूजा करवा के वो पूजा करवा के आज पट जाएगी कल पट जाएगी झांसा देकर मेरे पैसे खर्च करवा के मेरी ही दारू पी के गांव वालों के सामने तूने मेरा सर झुका दिया। तू उसके लिए पूजा कर रहा था भाई, तो बोल, बोल मेरी बात तो सुनो प्लीज भाई, प्लीज भाई। वो हर जगह पर मुझे गधा साबित कर रही थी और तू बैठकर सिनेमा देख रहा था, सिनेमा देख रहा था, वो भी रामगोपाल शर्मा का सिनेमा। चरिता को पटाने के लिए ऐसा कोई मिरेकल होना चाहिए जिससे लिली साइड हो जाए, लेकिन तूने तो बिगाड़ दिया। ये तेरी इज्जत का धजिया उड़ा रहे हैं, इससे नहीं भांजे। अरे पत्थर ये ले, इन दोनों का सर फोड़ दे। नहीं भाई, तू 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 कर रहा है, ये पहले आग में जल रहा है और तुम उस पे पेट्रोल डाल रहे हो। वैसे भी तुम क्यों आए हो जले पे नमक छिड़कने के लिए? तुम पर नमक छिड़कूंगा तो क्या भी लगा बे? भांजे दोपहर में रिश्ता देखने आना है, माँ ने तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है, मैं मेकअप करके रेडी होता हूँ। ये रिश्ता देखने जा रहा है यही बड़ी बात है, ऊपर से एक्स्ट्रा मेकअप। युद्ध युद्ध अक्षय है। इधर आऊंगा तो मारोगे? नहीं आएगा तो जान से मार दूंगा। मरने से अच्छा है मार खाना ही बेटर है, चल इसके साथ। भाई सुपर है, कमाल है। ले ले तुझे देख लूंगा, चलो। अजी सुनते लड़की को देखिए, बिल्कुल सूखी भिंडी की तरह है। चुप करो ना। मतलब भिंडी खाने से अकल बढ़ जाती है, तो आपकी बेटी ने अगर मेरे मामा से शादी कर ली तो उसकी भी अकल बढ़ जाएगी ना। आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद आई, प्लीज प्लीज। मामा क्यों इतनी जल्दी बाजी कर रहे हो? दुल्हन के सिर उठा के देखने से पहले वहाँ पे उन्होंने ओके नहीं कहा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैं सेट करता हूँ ना,
तुम शांति रखो। क्या बेटा ऐसे क्यों खुसर पुसर कर रहे हो? जी वो आपकी बेटी बहुत सुंदर है ऐसा ये कह रहा है दादाजी। दादाजी अगर आप हमारे मामा के ससुर बन गए तो आप हमारे दादाजी हुए ना। आप खाना शुरू कीजिए। खाएंगे। खाओ खाओ बढ़िया। थोड़ी भूख लग रही थी इसलिए खा रहा हूँ। खाना कितना भी खा सकते हो पर पीने को नहीं मिलेगा। पीने को नहीं मिलेगा? नहीं बेटा दारू। हमारे खानदान में हमारे पिता, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी सभी दारू के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे, इसलिए दारू पीने वाले या उसकी सुगंध से भी हमें नफरत है। हमारे मामा भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर यहाँ पर कोई दारू पी रहा होगा तो उस तरफ से या फिर उस तरफ से निकल जाते हैं, इतने दूर रहते हैं हमारे मामा जी। यही 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 तो चाहिए हमें बेटा। इसीलिए उम्र का वेरिएशन होने के बावजूद ऐसे ही दामाद की राह देख रहे थे। कुछ भी कहो हम बहुत खुश नसीब वाले हैं बेटा। सुनिए पानी बहुत ही फीका लग रहा है, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए ना। क्यों तुम लोग दारू पीते हो क्या? नहीं नहीं हमें इसकी आदत है जी। खामोश खामोश खामोश। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा भाईजी, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जाके मर जाऊंगा। हाँ मर जाऊंगा। आखिर आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है पता है क्या? ये सब तुम लोगों ने किया है। मामा जो कह रहा हूँ वो सुनो। मामा मामा कुछ मत बोल, आज से हमारी दोस्ती कट। अरे ओ बुढ़े यूथ हूँ मैं। मामा अब तक तुमने 100 रिश्ते तो देखे ही होंगे। तो फिर इतने रिश्तों में कोई भी तय नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई तो लॉजिक होगा। होना चाहिए। अब आए हो लाइन पर। इतने सालों से जो ब्रह्म रहस्य आपको पता नहीं था वो बताता हूँ, सुनिए। ब्रह्म रहस्य क्या है भांजे? वो मामा तुम्हारी लाइफ में लव मैरिज लिखा हुआ है तो अरेंज मैरिज भला कैसे सेट हो सकता है बताइए। भांजे फिर से फंसाओगे नहीं ना। अरे हमारे गुरुजी क्या कहते थे? क्या कहते थे? क्या कहते थे? हाँ, क्या कहते थे? अरे वही रे, अक्षय की जिंदगी में लव मैरिज सेट होगा ऐसा कहा था ना। हाँ याद आया, रात को क्वार्टर मारने के बाद पूरा मैटर भूल गया। अरे तुम मुझे फिर से उल्लू बना रहे हो? आप उल्लू बन जाओ, इतने बेवकूफ हो क्या? फिर भी भांजे अभी के अभी मुझे युद्ध में भी कहाँ मिलेगी? अरे क्यों नहीं मिलेगी? लिली लिली आ लिली आ लिली। ए कहानी साइड ट्रैक में क्यों जा रही है? मामा यही तो मेन ट्रैक है, डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले कमाल का लिखा है, तुम बस फॉलो करो। फिर भी भांजे वो लिली मुझे क्यों प्रेम करेगी? हाँ क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। मुझे प्रेम करने वाली लड़की मिल गई ये पता चलते ही मेरा जवान खून खुशी से उबल रहा है। बस ऐसे ही उबलते रहो, हिला कर रख देंगे। भांजे आज से तुम तुम्हारे लिली मामी को कुछ नहीं बोलोगे। ए, आज से लिली हमारी भाभी है, वो फिक्स है। चलो चलो। चीयर्स। मामा अपने प्यार को ऐसे ही उबाल के रखो, हिला कर रख देंगे। अरे राशि कितनी बार कहने के बाद भी तू एक बियर नहीं पिलाता था और अब ये सब सडनली बियर्स चीयर्स। हमें बताए बिना ओपनिंग सेरेमनी कर ली क्या? ऐसा नहीं है, मैंने आधा एकड़ खेत खरीदा है हमारे गुरुजी से। आधे एकड़ खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? मैं सब गुरुजी की दया है, एक एकड़ खेत बेच दिया और आधा खरीद लिया। अबे महाराजा एक एकड़ बेचकर आधा एकड़ खरीद लिया? मामा इसके जैसा जेवर बेच के बैंगन खरीदा। यू मीन बैंगन? ए पागल, गुरुजी गुरुजी कहते हो, गुरु दक्षिणा दी क्या तूने गुरुजी को? नहीं यार। तो फिर अभी दे देते। अच्छा क्या देगा बे? तूने आधा एकड़ जो जमीन खरीदी उस खुशी में अपन पी रहे। हाँ। अब उसने तुझसे एक अगर बिकवाई तो उसका बदला लेने के लिए मारना चाहिए ना? मारना चाहिए भांजे। तुम मारेंगे? ए, तुम चाहे कुछ भी कहो, मेरे गुरुजी जो करते हैं सबके कल्याण के लिए करते हैं। अबे पवन कल्याण के लिए करते हैं ऐसा कहा तूने? तेरे गुरुजी का कल्याण हम करते हैं? भाई मामा मामा
अच्छा गुरुजी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? म्यूट पे लगाए या फिर मुतरे गए? अरे रुको रुको सब मेरी लीला है। ओम नमः शिवाय। जीवन कितना आनंदमय है, जितने संतुष्ट रहोगे उतना सुख मिलेगा, सब मेरी लीला है। सुखी होना और संतुष्ट होना दोनों में क्या फर्क है गुरुजी? ऐसा किसी को भी नहीं पूछते देवी। सुख के बारे में पूछना है तो अपने पति से पूछो, संतुष्टि के बारे में पूछना है तो अपने बेटे से पूछो। संतुष्टि और शांति में फर्क क्या है गुरुजी? मांगने पर ही उधार देना, करोड़ रुपए किसी को उधार देते हैं तो संतुष्टि मिलती है, वहीं उधार दिए बिना उधार माफ हो गया हो तो शांति मिलती है। सब मेरी लीला है। क्या लीला बे? अरे कौन सी लीला? क्या ये संबोधन? अरे राम बाबू कौन है ये सब? उसके मित्र और तेरे शत्रु है। यहाँ पर मित्र और शत्रु सब एक ही हैं बेटे। तेरी तो गुरुजी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी बात सुनके आप यहाँ से भाग जाओ गुरुजी। भाग जाओ बे, भाग जाओ। अरे दे भांजे, गुरुजी से बात करने का चांस हमको नहीं देगा क्या? आधी रात में आंटी का यहाँ पे क्या काम है? आधी रात तो क्या बच्चा कर रहे हैं? चलो यहाँ से। सोना है या लीला करना है तुझे? ध्यान बोल शास्त्री। बोलो ना। ये क्या, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। आइडिया? हाँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाके सोना। तुझे सोने की लगी है? इधर वाट लगी पड़ी है। अबे बैठने के लिए कह रहे थे और सोने की बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ तो रुक जरा। इधर इधर, मेरी रात की गाड़ी निकल जाएगी, मुझे जाना होगा। उठो उठो तुझे मैं लीला कराता हूँ। हे तुम यहाँ? हाँ मैं हूँ। वेर इज लिली? लिली तो लव में है। एक बात बताओ, गांव दिखाने के लिए लिली ही चाहिए क्या? मैं नहीं दिखा सकता था? देखो हमारा भी यही गांव है और तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। चलो आओ। देखा क्या, पहले ही कहा था इन पत्तों का नामकरण भी मैंने किया है, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए इसकी कुंडली भी मैंने लिखी है। क्यों बे बुड्ढे, ऐसे खींच के क्यों लाया मुझे? तुम मुझे ऐसे मत बुलाओ लिली, बुरा लगता है। मैं तो हूँ युद्ध। हे मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, चलो पत्ते डालो। बकवास बंद करो, बात क्या है बताओ। मुझे तो सब कुछ पता चल गया। क्या बे, क्या पता चल गया? वो मुझे पता चल गया। शो बस सो, पत्ते डालने के लिए ज्यादा डाल रहे। अबे बुड्ढे चुप कर, चल ठीक से बता। मेरे भांजे ने मुझे कह दिया, मुझे सब पता चल गया। तुम मुझसे मुझसे लव करती हो? शो एक बार गया तो डबल ट्रिपल बदलने के लिए मेरे पास ही आएगा, आप देखते जाओ। तुम लोग सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोल। आवाज नहीं आ रही है, लव कर रही हो ना? किसने कहा बे? भांजे सीनू ने। अच्छा जरा सुनो, थोड़ा सा झुक जाओ जरा। क्यों पहुंच नहीं पा रही हो क्या? दूंगी। और एक खेल खेलते ना बे। हाँ? खेल में हमेशा तुम्हारी हार होती है और मेरी जीत होती है। चलो पत्ते डालो। स्टिक फाइट। तुम्हें देखनी है? बंदर के साथ नहीं। Mm-hmm.
ओए माँ, हो गया क्या? मेरे साथ लव करेगा तू? हाँ, बुढ़ा कहीं का? हाँ, लिली, अरे इसने मेरे सिर पे लाठी मार दी। ए सिनू, तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक, तू रुक सिनू। पत्ते खेलने में पितामा हूँ मैं, और आज ये क्या हो गया? मामा, हमारे साथ ये क्या हो गया? अरे अरे अरे, क्या क्या सपने दिखाए थे प्रेम के, आज जो उसने मुझे मारा है, मैं तो प्रेम का पार्ट भूल ही गया। अब मैं क्या करूं? क्या लिली हमारी भाभी है? ऐसा मत सोचो मामा। भाभी है या और कुछ? अरे एक दिन क्यों बे, हर दिन तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। ज्यादा बोला ना तो गोदावरी में डाल दूंगा। जावे जा, तुमने अगर सोचा भी तो कुछ नहीं कर पाओगे। वहां पर पिटाई किसने करवाई पता है? मेरे गुरुजी ने। तेरी तो गधों की तरह दारू पी के पागलों की तरह बात पागल। कल से ये सब नहीं होगा बे। एक पागल की तरह तुम लोग करते रहते हो ये 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 ये, ऐसे ही रोड पे घूमोगे बे। हमारे गुरुजी हैं या मजाक है? भांजी, ये जो बोल रहा है मुझे सच लग रहा है। सच है? हाँ मामा। हाँ मामा, नहीं, सेम टू सेम फीलिंग। क्या कहूँ मैं अब, वो लिली भाभी हमारी। अबे भाभी क्या बे? मामा, तुम्हारा चरिता से बात करना नहीं हुआ, एटलीस्ट मिलना भी। तो फिर क्या? तेरे मामा बे, तेरे मामा हमारे गुरुजी पे हाथ उठाओगे तो ऐसा ही होगा। भांजे, मैं मेंटली फिक्स हो गया। वो स्वामी मामूली मामूली बिल्कुल नहीं है। क्या स्वामी? अच्छा मामा, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो लड़की चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो इतनी मेहनत क्यों करता है यार? मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, मेरी बात सुनो, उससे मिलके आते हैं। उससे नहीं, मेरे गुरुजी से। तेरी तो उसके बिना नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा रे। चलो चलो चलो। अरे क्या मारा यार। ये कैसी लीला है? मेरे पास लोग भक्ति से आते हैं, तुम क्यों डराने के लिए आते हो? अरे उस दिन मार मार के तुमने मेरे बदन का कबाड़ा बना दिया, बिस्तर भी पत्थर जैसा लग रहा है। सिर्फ बिस्तर को थोड़ा नरम करने के लिए फूल डालकर सो रहा हूँ। ये कैसी लीला है? हमने जो गलती की है उसका प्रायश्चित करने आए हैं। पता है मुझे, सब पता है। वो बात नहीं स्वामी जी, वो लड़की, उस लड़की के बारे में पता है। उस लड़की ने जो तुम्हारा अपमान किया वो भी पता है। स्वामी आप इंसान नहीं हो। तो फिर आप महापुरुष हो स्वामी। ये क्या लीला है? ठीक है मुझे मारा ना, अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें मेरी लीला। बेटा शीनू, तेरी दशा बदल गई। मतलब मेरा लव सक्सेस होगा स्वामी जी? सक्सेस नहीं बे, बर्बाद हो जाएगा, समझा क्या? आप क्या कह रहे हो स्वामी जी? यही है ग्रहों का मतलब, राहु केतु रिवर्स हो गए हैं, गुरु हर्ट हो गया है, शुक्र साइड हो गया है, फाइनली शनि की एंट्री हो गई है। अब हमें क्या करना होगा? तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तुम जिससे प्रेम करते हो पक्का कन्या राशि में पैदा होने वाली लड़की होनी चाहिए। नहीं होगी तो? आज जो कुछ हुआ वो फिर से रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। ऐसे ट्विस्ट क्यों दे रहे हो स्वामी जी? ग्रह ऐसे ही हैं, सब मेरी लीला है। क्या भाई, क्या सोच रहे हो? अरे शर्मा। हाँ बोलो। कल मंदिर में हाँ, तुम्हारे पिता की जगह तुम रहोगे तो कैसा रहेगा? बहुत ही गंदा रहेगा भाई। क्योंकि मैं जब प्रसाद के लिए मंदिर में जाता हूँ तो मेरे पिताजी कहते हैं, क्यों बे तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? ऐसे डांटते हैं। अगर मैं मंदिर में मंत्र पढ़ूंगा तो मेरे पिताजी कहेंगे, क्यों बे तू दारू पी के आया है क्या? क्या भाई ऐसे रिस्क में क्यों डाल रहे हो? ए शर्मा, तूने अगर दारू पी, तेरे पापा ने अगर तुझे मारा भी, तो भी कल मंदिर में तू ही रहेगा, समझा ना? ऐसा क्या? ठीक है भाई, फ्रेंडशिप के लिए मैं जान भी दे दूंगा। ऐसे में मैं एक दिन के लिए पंडित नहीं बन सकता क्या? ट्राई करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मेरे पिताजी को बिस्किट डालूंगा, तेरा इश्क पूरा करूंगा। गुड बॉय। पिताजी मैं पुजारी बनूंगा। अब 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 अब। गधे, तू पुजारी बनेगा? नाम तो ठीक से ले नहीं सकता है, मंत्र कैसे पढ़ेगा तू? नालायक, कभी पूजा भी की है? पंडित बनने निकला। अब भाई को कौन समझाएगा? राम गोपाल शर्मा। अरे राम गोपाल, एक गधा क्या कम था कि दूसरा गधा आ गया? नालायक, पूरे गांव को भ्रष्ट कर रहे। क्यों भाई शर्मा, तेरा बाप आजकल बहुत ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है, उसको बोल थोड़ा रिवर्स गियर डालने के लिए।
क्यों बे शर्मा, तेरे पापा तो बहुत बोल रहे हैं। भाई कार्य करने के लिए थोड़ा कर्म का अनुभव करना होगा भाई। तुमने मुझे काम दिया ना, मैं जरूर करूंगा भाई। पिताजी तुम रुको, मैं आता हूँ। तुम दोनों के पीछे मैं फंस गया हूँ। नालायक मेरे कपड़े तो देकर जा। हाँ तुम मानोगे तो ही दूंगा, उसके बाद तुम्हारे बदन को पूरा गांव देखेगा। अब तुम्हारी मर्जी। तू कपड़े नहीं देगा तो भी नहीं मानूंगा। चल भगवान की कसम खा। किस लिए पिताजी? आदमी मेहनत से काम करके जी लेता है, पर तुम किसी भी काम के नहीं हो, बिल्कुल नालायक हो। इसलिए मेरे भरोसे के लिए पिताजी, मंदिर को अगर अपवित्र नहीं करोगे तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त क्या है पहले ये बताओ, उसके बाद कसम खाना है कि नहीं मैं डिसाइड करूंगा। पहले तुम कसम खाओ फिर बताऊंगा। कसम खा ले, कसम खा ले। आप बताओगे? कल से अगर तुम्हें पुजारी बनना है तो उन गधों के साथ घूमना छोड़कर अच्छे से यहाँ रहना होगा। पकड़ो। बाप रे इसने जंप कर लिया। मैं पागल हूँ पर स्वामी मुझे बीच में रख के तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है ये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों लिली मंदिर आई हो क्या? नहीं बे, गोटी खेलने आए हैं यहाँ। अच्छा 5 मिनट पहले आए होते तो अच्छी पूजा करवाता जी। ठीक है कल सुबह आते हैं। हाँ वो भी तुमसे नहीं होने वाला है जी। क्यों? हाँ सुबह 2 बजे मंदिर खोल के 3 बजे बंद कर देता हूँ, तब तक तुम तो उठोगे ही नहीं ना, इसीलिए समझा रहा था मैं। वैसे भी भगवान के दर्शन के लिए आएंगे, तू चपड़गंजू बीच में क्यों आ गया बे? हद है चपड़गंजू, पागल गई। हाँ मतलब मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं ना, इसीलिए मैंने रिटायरमेंट दे दिया है। अब दोनों मंदिर की चाबी मेरे हाथों में रहती है, इसीलिए तुमको बम्पर ऑफर दे रहा हूँ। तुम्हारा नाम गोत्र बता के जाओ तो भगवान की पहली पूजा में तुम्हारा नाम भगवान के कान में डाल दूंगा। रहने दे, तेरे पिता होंगे तब आएंगे। तो फिर भूल जाओ जी, सुबह अगर पूजा करवानी है तो ये सब करना पड़ेगा। रुकते हैं, कौंडिन्य गोत्र चैत्र, कौंडिन्य गोत्र भवि चैत्र नाम देवती क्यों हो देवियों? राशि के तुम्हारे दादाजी आके बताएंगे। अब तू राशि क्यों पूछ रहा है बे? मेरे राज में ऐसा ही होता है, पसंद है तो पूजा करवाओ नहीं तो यहाँ से चलते बनो। ठीक है चलो अब। ए पूजा ठीक से करना, आप मेरी राशि कन्या है। क्या कहा आपने? मैं कन्या राशि की हूँ। एक और बार कहो। मैं कन्या राशि की हूँ। स्वामी जी कितना क्यों चिल्ला रहे हो? देख नहीं रहे मैं ध्यान में हूँ, समंथा के साथ। हाँ समंथा के साथ यज्ञ करवा रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या होगी मेरी लीला। क्षमा करे स्वामी, इतने सालों से सिर्फ मुझे ही पता है, अब इनको भी पता चल जाएगी आपकी महिमा। हाँ स्वामी जी, इसलिए खुशी को आपके साथ बांटने के लिए आए हैं। खुशी को बाद में बांटो, पहले स्वीट बांटते हैं मामा। ये लो स्वामी। आपने जैसा कहा था मेरी लवर की राशि कन्या है स्वामी जी। अब ये क्या लीला हो गई है, इसे मानसिक रूप से मारने की सोचा था ये तो खुशी लेकर आ गया है। क्या सोच रहे हैं स्वामी? एक राशि ही तो मिली है ना, अब देख कैसे तुझे जमीन की धूल जटाता हूँ। तेरे माथे की रेखा बदलने की सोच रहा हूँ, मुझसे भी पहले लिखी गई तेरी कुंडली की रेखा बहुत स्ट्रांग है बेटा। भले ही वो लड़की जिससे तू प्यार करता है कन्या राशि की है, लेकिन शादी के बाद ही वो तेरी होगी ना। मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी। समझ में नहीं आया ऐसी क्या है ये लीला? वो कन्या तुम्हारी होने से पहले किसी और के साथ अगर उसकी शादी होगी तभी वो तुम्हारी होगी। कोई और रास्ता नहीं है क्या स्वामी? एक रास्ता पसंद नहीं आया तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लोगे, ये कोई गूगल मैप है क्या? बेटा किस्मत सब मेरी लीला है। कोई बात नहीं स्वामी जी, 100 में से 35 मार्क्स से पास होने वाला बैच है मेरा। ऑलरेडी आपने जो कहा उसमें से 2 चीजों में तो मैं पास हो गया ना, मतलब 35 में और 15 मिला हो तो 50 हो जाएगा ना। वो लड़की तुमसे 5 सेंटीमीटर छोटी होगी। हाँ स्वामी जी। तुम्हारे वेट से 5 किलो कम होगी है ना? पता नहीं स्वामी जी। ठीक है तुमसे मैं उस लड़की की एक बात पूछता हूँ, वो लड़की हर समय डरी डरी सी रहती है ना? आपको कैसे पता स्वामी जी? मैंने जो 2 बातें पूछी हैं उसका एक ही समाधान है, इसलिए कह रहा हूँ तुम ऐसे बात करोगे तो उस लड़की को राहु सजा देगा। मैं रक्षा करूंगा। किस्मत को धूल चटा के फ्रेम बना के पूजा की जगह रखेगा ये कह रहा है, ये सब मेरी लीला है। जो भी हो स्वामी जी, छोड़ने का सवाल ही नहीं है। जान जाने से भी नहीं छोड़ेगा, खत्म हो जाऊं तो भी परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लड़की की बात कर रहा हूँ स्वामी जी। ये सच है बेटा, जो होना है वो होकर ही रहेगा, तेरे प्रेम से उस लड़की की जान 5 तत्वों में मिल जाएगी। सब मेरी लीला है, वो सब यहाँ पे रख के चले जाओ।
नमस्ते नमस्ते, मैं चलता हूँ स्वामी। जान बची तो लाखों पाए। ए शिनू, तुझे प्यार चाहिए और मुझे तुझसे हिसाब चुकता करना है, इसलिए बड़े प्रेम से मारूंगा, सब मेरी लीला है। ओम नमः शिवाय। खेल भाई, खेलने के लिए सोच क्यों रहा है? और क्या सोचेगा, वो चित्रा के बारे में सोच रहा होगा। हाँ हाँ, इतना क्यों सोच रहे हो उसके बारे में तुम? ओ लिली, कहाँ जा रही हो तुम? अब बंदर सामने दिख गए हैं, पता नहीं कहाँ जाना होगा। तुमने उसे अच्छा जवाब दिया। अरे इसे क्या हो गया? Oh my God! ये क्या, नाव में क्या हो गया, क्या हुआ? अरे भाई भाई, जल्दी भागो भाई। किसका फोन आ गया? गुरुजी। बोल बेटा। आपने जैसा कहा, सीनू पानी में तैर रहा है। जाने देना, तैरते हुए वो कहीं ना कहीं तो चला ही जाएगा। ठीक है गुरुजी। उस शीनू को गंगा में मिलाने का सोचा था, पर वो खुद ही गंगा में चला गया। ओम नमः शिवाय। अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। जो है वो कह देना चाहिए। नहीं तो क्या, पूरा गांव वही सोच रहा है। वो जिम्मेदारी लेगा तो कुछ भी हो जाए वो करके रहता है, बेवकूफ कहीं का। अरे पहले प्यार में पड़ा, फिर गोदावरी में गिरा, अब टेंशन में पड़ गया क्या? टेंशन नहीं लूं तो क्या करूं तेरी। कहां पर? यही पे। वो देखो चित्रा आ गई। उसने बुलाया तो हमारा जाना जरूरी है क्या? वो बात नहीं है, कल उसने इतना बड़ा रिस्क लिया था हमारे लिए ना, तो कम से कम थैंक्स तो बोलना चाहिए। तुम कितनी अच्छी हो। कुछ लोग हैं जो दिमाग घुटने में रख के सारा दिन जुबान चलाते हैं। किस लिए? और किस लिए, गाली देने और खाने के लिए। क्या कह रहा है बे? तूने जो सुना मैंने वही कहा, चल तेरी। थैंक्स सीनू। एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, मैंने बुलाया और तुम आ गई। अच्छा बात क्या है? बात कुछ खास नहीं, कल हमारे गुरुजी से मैं मिला था। तो फिर? ए तेरी। कंट्रोल योरसेल्फ। वासुदेव को भी गधे का पैर पकड़ना पड़ा था। कुछ देर के लिए बीपी कंट्रोल कर लो, बड़ा हो इसलिए कह रहा हो। वो मुझे पक्का इन पे कुछ ना कुछ डाउट हो रहा है, अंदर कुछ तो चल रहा है, चल जाके देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? ये क्या हो रहा है यहाँ? ए, इतनी तैयारी की है तो बताएंगे नहीं क्या, हमेशा जल्दबाजी। हट। ये सब क्या है सीनू? वो ऐसे हिचकिचा क्यों रहा है भांजे, मैटर बता देना। तुम्हारी कुंडली ठीक नहीं है ऐसा गुरुजी ने कहा है। हाँ तो तुम्हारी उस पेड़ के साथ शादी कराएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चैत्रा, मेरे पर्सनल मामले में तुम इंटरफेयर करने वाले कौन होते हो? बात वो नहीं है चैत्रा। तो क्या बात है? हा? मैं सोचती थी कि तुम सिर्फ शरारती हो, लेकिन तुम ऐसा काम करोगे ये कभी नहीं सोचा था। और वैसे भी मेरे बारे में तुम आखिर जानते क्या हो? तुम अपनी मर्जी से ही सब नहीं कर सकते। छोड़ना, इससे क्यों बात कर रही है? चप्पल से मारने के बजाय असली में इससे मिलने आ गई, ये हमारी गलती है। चल यहाँ से। जल्दी भाग, 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 ज
पकड़ जल्दी, आ जाएगी भाग के, चलो। अरे चलो रे, पकड़ो जल्दी, पकड़ो, चलो, हाँ चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ पकड़, चल चल जल्दी कर, छोड़ना मत उसको, खुद करता है, करके भाग जाएगी और मुझे पता नहीं चलेगा। लेके चलो इसे। कौन है वो और क्या हुआ था? बताओगी तो ही पता चलेगा। उसका नाम काशी है। जब मैं विसाख पढ़ने के लिए गई थी, वहाँ चैत्रा और मैं क्लासमेट्स थे। वहाँ पे चैत्रा के फादर कांस्टेबल का काम करते थे। एसआई का प्रमोशन मिलने के बाद वो पार्वतीपुरम ट्रांसफर हो गए। पुलिस स्टेशन में कदम रखते ही पहले दिन के फोन कॉल ने चैत्रा की जिंदगी को बदल दिया। हेलो, अभी आता हूं। नहीं है, कैसे हुआ ये? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? उतारो इसे। इतना दहेज देकर शादी कराया था और ये हाल कर दिया सर। सर अभी जो आया है वो कांस्टेबल से एसआई प्रमोट हुआ है। हम कुछ भी करेंगे तो वो देखकर चुप रहने वालों में से नहीं है सर। सर हम जो भी कह रहे हैं वो आपके भलाई के लिए है। ए, वार्निंग दे रहा है या उसका नाम लेकर डरा रहा सर, है? सर उसकी आदत पड़ने तक हम कंट्रोल में रहते हैं। उसको लेके आ रहे। ठीक है भाई, लेके आता हूँ। बीवी के मरने से दुखी होने के लिए, पुलिस से डरने के लिए मेरा बेटा कॉमन मैन नहीं है। काशी बोल उसे, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ो, छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंक्वायरी करने के लिए आए हैं सर। काशी कौन है यहाँ पे? मेरा बेटा गांव में नहीं है, उसके आने के बाद बता दूंगी। वो कहीं दिखाई देगा तो अरेस्ट करके तुझे बताऊंगा, तब तुझे भी आना पड़ेगा। इतना घमंड रखना सही नहीं है, चलो। काशी कहाँ है? हमें नहीं पता। आएगा तो पुलिस स्टेशन आने को बोलना। काशी है क्या? नहीं पता। इतना क्या सोच रहे हो सर? वो काशी के बारे में क्या? आप इस गांव में नए हैं, आपके लिए नया है इसलिए अजीब होगा। हमें तो ये सब की आदत पड़ गई है सर।
इस केस को लेकर 160 केस से ऊपर है और ये केस इन पन्नों में ही सिमटे हुए है। इस पार्वतीपुरम गांव में किसी भी नेता को इलेक्शन में जीतना है तो इसकी मदद लेनी ही पड़ती है। ये 10 बार गांजा स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया है, ऊपर से 20 बार जाली नोट बनाते हुए पकड़ा गया है। उतना ही क्यों, आप अरेस्ट वारंट लेके जो घूम रहे हैं ना, ऐसे बहुत सीनियर्स अरेस्ट वारंट लेके घूम रहे थे, हो सके तो खरीद लिया, नहीं हो सका तो मार दिया। तेरे नाम से भी कांपना चाहिए भाई। वही तो। तुम्हारे नाम से ही कांपते हैं लोग। चर्बी है क्या तुझे, रोड पे पी रहा है। इस नरसिंहपुर गांव में काशी पर हाथ डालने का मतलब समझता है, काशी का टिकट कंफर्म हो गया समझो। फाइनली तो मिल ही गया। आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, 3 दिन का गवर्नमेंट हॉलिडे है, मैं वाइजाक जा रहा हूँ। काशी से डरने वालों के घर जाके भजन करने को कहो, वापस आने के बाद कोर्ट में उसे ले जाऊंगा, उसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नमस्ते सर, कहाँ है तेरा एसआई? ये ताला तोड़ दो, चल दे। मना क्यों कर रहा काशी? तू चुप कर हरामखोर, गांव में काशी का मजाक बनाकर रख देना चाहता है तू? काशी का नाम सुनते ही लोगों का जगह पर पेशाब निकल जाता था, आज गांव के लोगों में मेरी फोटो पर पेशाब करने का हौसला आ गया है। ये प्रॉब्लम मेरी है, इज्जत भी मेरी ही गई है, मैं खुद देख लूंगा। चैत्रा, पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ। ओके डैडी। ये कैसा घर है जी, भूत बंगला जैसा है, असल में घर जैसा ही नहीं है। तू इधर क्या कर रहा है? जिंदगी भर जेल में रहूंगा यही सोचा था क्या? छोड़ो उन्हें, छोड़ो, छोड़ो उन्हें, तुम छोड़ो। तेरे घर में तो कोई खूबसूरती ही नहीं है। ए, क्या बकवास कर रहा है तू? डैडी छोड़ो, 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 छोड़ो। एक मिनट पहले मैंने गलत बोल दिया था बे, सारी खूबसूरती तो तेरे ही घर में है, अपना अपना हिसाब चुकता करके आओ रे। सुनिए, वो चैत्रा को उठा के लेके, देखिए ना, पकड़िए उसे। डैडी, छोड़ो मुझे, डैडी, छोड़ो, डैडी, अपनी ड्यूटी करता रहता तब तक कुछ गलत नहीं होता, लेकिन मेरी बीवी के केस में उंगली करके मेरे बारे में जाने बगैर इस गांव में कदम रख के मुझसे डरने वाली जनता के आगे मुझ पे हाथ डालने की जरूरत की, बस वो गलत किया। डैडी, देख देख तू कैसा पुलिस वाला है बे, सिर्फ 1 किलोमीटर भागने पर ही तेरी सांस फूल गई है। डैडी, डैडी। Mommy!
छोड़ो काशी, दर्द का एहसास एक दिन काफी नहीं है। तुम 3 दिन जेल में थे, छोड़ो मुझे। अब इसे बंदी बनकर यहाँ रहना होगा। बंदी मंगलसूत्र। ए, कहाँ जाएगी रे तू? उसी जानवर से बचने के लिए वो मेरे पास आई थी, उसके आगे का तो तुझे पता ही है। गांव का नाम पार्वतीपुरम है ना? वो पार्वतीपुरम नहीं, नरसीपुरम है, ठीक कहा ना? अरे शर्मा जी, हाँ। निकलने की तैयारी करो। हाँ। भाई ये गांव बहुत बड़ा लगता है, कहाँ ढूंढेंगे उसे? ए शर्मा जी, चलने के लिए पैर हैं, घूमने की शक्ति हाँ। है, दोनों तो है ना, तो चलो। और कितना दूर जाना होगा भाई? तुझसे बात कर रहा है ना, रुक नहीं सकता क्या? असल में आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताऊंगा तो क्या हल हो जाएगा? मुझे मर जाने दो बस। अरे तेरी तो, अगर मरना है तो बता के मरो, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। बताओ तुम नीची जात के हो क्या? नहीं ऊपरी जात का हूँ। तो क्या फसल में कीड़े लग गए? इस बार तो फसल भी अच्छी हुई है और पैसा भी मेरे ही हाथों में आ गया। फसल अच्छी हुई तो खुशी मनाना चाहिए, तो मर क्यों रहा है? भाई तुम इससे डील करो, मैं जाके चैत्रा के बारे में पता करके आता हूँ। अब बताओ अंकल क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैंने एक जगह से उधार लिया है। पैसे आ गए बताया ना, तो दे दो। दे दूंगा यही मैंने सोचा था, वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। क्यों भाई, ब्याज ज्यादा हो गया क्या? ब्याज ब्याज की बात तो छोड़ो, उसे असल भी नहीं चाहिए। तो अच्छा है ना, पैसे तो बच गए। क्या बचेगा, शिकार पूरा यहीं पे, त्योहार भी खत्म हुए, 3 दिन हो गए हैं। हाँ तो क्या? हाँ तो उसके पास जिसने उधार लिया है वो उन सब के घर के सामने एक ड्रामा कर रहा है। वो देखो टेंट भी रेडी हो रहा है। टेंट डाला तो क्या? तुम्हारे लिए टेंट होगा, मेरे लिए तो मौत है मौत। समझ में नहीं आ रहा है क्या? आओ दिखाता हूँ। अरे वो वहां उसको देखो, ये देखो, ये परिस्थिति है। कल इनके घर के सामने डाला, आज मेरे घर के सामने डाल रहे। क्यों रे, क्यों डाल रहे हो यहाँ? कौन है यार ये जो जनता की मौत से पहली समाधि बना रहा है? कितनों को भस्म करने वाला, ये स्मशान स्थल में भस्म होने वाला, एक भी व्यक्ति उठकर नहीं आता, यही सत्य है। और परम सत्य ही शिव है, शिव ही। और शिव ही सुंदर है, और रामावध में काशी में शिव है, काना वृंदावन में दया करो ही। आहार मोनियम, ऐसे खास वक्त में खास के डिस्टर्ब कर दिया ना गधे, बुड़बक कहीं का। लोमड़ी जब पहुंच नहीं पाए तो उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं, कहावत भूल गए हो तो याद करा दूं। ऐ सांगी के नाटक वाली हीरोइन, इतने महान हरिश्चंद्र के नाटक में, वो भी मेरे साथ, चंद्रमती के भेष में होते हुए मेरा ही काउंटर दिया। ऐ पद्मश्री साहब, ताला लगा दूं क्या? है अभी टाइम नहीं हुआ, मैं बताऊंगा ना। पहले पानी ला, सूखा गला गीला करना है। गुरुजी, इस नाटक के रिहर्सल में इस तरह का गेटअप क्यों लिया है आपने? अरे हारमोनियम, मैं जब तक भेष नहीं बदल लेता कैरेक्टर में नहीं घुसता। शुरू करो, करो रे शुरू। अरे क्या किया तूने यार? मैंने कुछ नहीं किया भाई, गांव में चैत्र नाम की लड़की है, ऐसे पूछा बस, चैत्र पूछा तू चित्रा सुनाई दिया तो मेरे पीछे आ गए। शर्मा तू क्या कर दिया तूने? अरे ओ शर्मा तेरी तो, क्या कांड कर दिया तूने? चैत्रा को चित्रा समझ के भाई उन लोगों ने 10 किलोमीटर तक भगाया। अगर मैं डायरेक्टली जाके चित्रा के बारे में काशी को पूछता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। चैत्रा को ढूंढने का रूट ये नहीं है तो फिर आप ही बताओ क्या करना है। ए भगवान, चलो। सुनिए,
ऐसे खड़े रहने के बजाय 10 रुपए भिक्षा में दे देते। हे भगवान, कलाकार भीख मांग रहा है, कला देवी का अपमान है ये। मतलब उन दिनों में राम को ढूंढते ढूंढते लवकुश गांव-गांव दान लेते हुए घूमते थे। हम भी तो एक कला पिशाच हैं, इसलिए भाई पिशाच नहीं, हम कलाकार हैं। हाँ वही वही, यहाँ एक कलाकार है जो कला के लिए पागल है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ। क्या कहा, मेरे ही गांव में मेरे जानकारी के बिना इतना बड़ा कलाकार भी है क्या? जी हाँ सर, पिच्छे पराव करके आलिया सूर्योदन सर्वमुद्ध। कहीं यही तो पिच्छप्पा राव नहीं? क्या हुआ सर, ऐसे रो क्यों रहे हो? हमने 10 रुपए मांगे इसलिए क्या? नए चाहिए सर। अरे रुक जाओ भाई। आप क्या जी, हमारे पास टाइम नहीं है, और भी कहीं जाके भीख मांगनी है। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, आज का पूरा कलेक्शन तुम ही दोगे क्या? नहीं भाई, आप जिसे ढूंढ रहे हो वो पिचिया पराव मैं हूँ, सूर्योधना सर्वमूडू मैं ही हूँ। अरे उठो 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 उठो, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों, हमारे लिए आप भी भीख मांगोगे क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी भूख मैं मिटाऊंगा। अरे पद्मश्री साहब, ताला लगा दूं क्या? ताला लगाने के लिए अभी बहुत टाइम है, पहले उनके पास जो सामान है वो ले लो, अब वो हमारे अतिथि है, समझ गए ना? आओ। वैसे तुम दोनों कौन से गांव से हो? सिलकालुरु पेटा। ओहो अच्छा, वहाँ पे कलाकार तो बहुत है। हाँ वहाँ पे आपको हर तरह के कलाकार मिलेंगे। वैसे ये लवकुश बन के क्यों आए हो? राम या कृष्ण बन के भी तो आ सकते थे ना? वो बचपन से हमें बहुत ही आदत है स्वामी जी, हमारी उम्र तो बढ़ गई लेकिन बचपना अंदर से गया नहीं है। हाँ, तेल लगाने की जरूरत या पानी लगाने की जरूरत नहीं होती है ना, वो हमेशा बढ़ते ही रहती है। वो तो है, इस गांव का मुझे बहुत अभिमान है, मेरे जैसा महान कलाकार बनना है तो मेरे साथ रहना पड़ेगा। सर वो घर किसका है? कौन सा वो क्या? काशी नाम के मेरे बंधु का घर। वो देखो सामने, वो औरतें उसी घर में जा रही है। देखो भाई, यही मेरा घर है, ये कलाकार के आह्वान को स्वीकार करो, आओ। सर ये सब आपको ही मिला है क्या? खरीद के लेकर आएगा तो तुझे भी मिलेगा, समझा ना? पार्वती, कला और कलाकार का अपमान कर रही हूँ। ऐसा कह के ही ना सोना देने के बजाय सिर्फ फसल देते हैं। उस फसल का खाना खाएंगे तभी सोना कमा सकते हैं, और जिंदगी में सोने की तरह हम हमेशा के लिए जी सकते हैं। शाबाश शाबाश, तेरी बातों से कुछ लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। वैसे ये समझ आया, सुनो और दो के लिए खाना बनाना, खा के ही जाएंगे, शत्रु जो बन गए हैं। ये मुझे 1980 में मिला और ये 90 में मिला। सर ये सब आपको कब मिला है हमें बताना ही होगा। ऐसे सोच क्या रही हो? चलो अब चलते हैं यहाँ से। कहाँ जाना है? हमारे गांव में। मेरा कोई गांव नहीं है, मेरे माँ बाप को मरे बहुत दिन हो गए, मैं अब अकेली हूँ, और मुझे ले जाने वाले तुम कौन होते हो? अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? चलो अब चलते हैं। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता है क्या? वैसे भी मेरा तुम्हारा क्या संबंध है? क्या संबंध है मतलब? तुम ही तो कह रही थी ना, जब अकेली रहोगी तो अपने दिल से पूछो, मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, ऐसा वो कहेगा। मैंने तुमसे ऐसा कभी कहा क्या? वैसे भी तुम आवारा की तरह घूमते हो, तुम्हारे अपने घर का तो कोई अता पता ही नहीं है, और ऐसे में मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? उस दिन वो मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आया और तुमने क्या किया, सिर्फ देखते रहे ना, तो अब यहाँ क्यों आए हो? अच्छा तो ये प्रॉब्लम है, इतनी कन्फर्मेशन काफी है मुझे समझने के लिए। वैसे भी मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी शादी हो चुकी होगी, ऐसा गुरुजी ने कब का कहा था,
तो उसके बाद क्या, कोई स्टेप लिए बिना ही रोते हुए बैठ जाता? अब कह रहा हूँ सुन लो, बिना जाने किसी को ले जाना, बिना बताए उठाकर ले जाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुझे पसंद भी नहीं है। लेके नहीं जाऊंगा, उठाकर नहीं ले जाऊंगा, ऐसा कहा तो तुम कुछ भी फिक्स मत कर लेना, क्योंकि मेरी बात पर मैं खुद ही फिक्स नहीं होता हूँ। 24/7 कभी भी आ सकता हूँ, तुम रेडी रहना। एकासी, हाँ? घर में भगवान है और ये 10 दिन इज्जत से रहने के लिए कहा था मैंने तुझे। है? जब तक किसने मारा ये नहीं बताओगे तब तक इन्हें मारते रहो रे। कमाल है, मैंने मारा तो किस किस को पकड़ के मार रहा है ये। लड़की कहाँ है? ए, वहां पर कोई तो है, जाकर लेकर आओ। उसने मुझे देख लिया, क्या करूं? माता जी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता माता जी। कौन है रे तू, इस गांव का नहीं लग रहा है? मैं तो लव हूँ, कुछ को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया। क्यों रे, नाटक कर रहा है? जी हाँ, आपको कैसे पता? ए, इसे देखकर कुछ गड़बड़ लग रही है, इसे पकड़ के धो डालो रे। अरे अरे अरे, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ कि मैं नाटक करने वाला कलाकार हूँ। नमस्कार माता जी, नमस्कार माता जी, नमस्कार जी, नमस्कार माता जी, नमस्कार। क्या हुआ, इसे क्यों पकड़ा है? कल किसी ने मेरे घर पर आकर मेरे बेटे को मारा, पक्का वो इस गांव का नहीं है, इसीलिए ये सब। ये हमारे घर आया हुआ अतिथि, नाम है लव, कुछ भी यहीं कहीं होगा। इन्हें कला आती है पर युद्ध करना नहीं आता, इसे छोड़ दो, हम चले जाएंगे। ए अपारो। जी माता जी। दोबारा अगर ये मेरी नजर में आया ना तो घर की दीवार पर फोटो बन के रह जाएगा। हाँ? समझ में आया? हाँ, आपने कह दिया ना, आपकी दया हमारी प्राप्ति है, चलते है। चलो, इस घर में तेरा क्या काम है रे, चला। ए, यहाँ तेरा क्या काम, चल अंदर जा। ए, उस पर नजर बनाए रखना। कल इतनी टेंशन में आ गई थी, प्यार बहुत ज्यादा हो गया है क्या? प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे जाना आना तो मेरी मर्जी है, पर मैंने जो पूछा है उसका जवाब दे दो, बोलो कब भागना है। शर्म नहीं आती क्या? वो तो वैसे भी नहीं है। मेरी बात को समझो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। फाइनली मैं तुम्हें एक ही सवाल पूछूंगा, उस काशी को पसंद करके तुमने मंगलसूत्र पहना है, बस ऐसा कह दो। लाइफ में कभी तुम्हें अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। कौन कौन आ रहा है सब पे नजर रखो, ठीक है भाई? कमाल है, ये तो यहीं पर है, ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? बुलाया तो रिवर्स में क्यों आ रहा है बे? भाई मैं पुजारी जी के पास गया था, मुझे पुजारी जी ने ऐसी रिवर्स में मंदिर के चक्कर लगाने के लिए कहा था। ए। आ, 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 हाँ भाई। तू यहाँ क्या कर रहा है बे? भाई मंदिर में आया हूँ भाई, नहीं आना चाहिए था, आप कहो तो मैं चला जाता हूँ भाई, चला जाता हूँ ना भाई। थैंक्स भाई। भाई उस काशी को देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो रावण का वारिस है। जस्ट हमने उसे पीछे से मारा तो गांव में दिखने वाले हर एक शख्स को वो बुरी तरह पिटवाने लगा। क्यों भाई, अगर हम चैत्रा को ले गए तो हमारे लाश को ले जाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। क्या कहा? हा? उस काशी को मारने वाले तुम हो? हाँ सर, मारने का मन था, लेकिन जैसा उसने मारा वैसा नहीं, कला के साथ मारने का सोचा। यस ब्रदर। वो भी सच है, पर कला के दीवाने उसे सुधारेंगे क्या? वो कला से नहीं होगा भाई, कला से तो बिल्कुल नहीं होगा, लकड़ी से मारेंगे तो भी नहीं सुधरेगा। हाथ से उसे रोक तो सकते हैं, पर कला से उसे कभी भी बदल नहीं सकते भाई। वैसे भी उससे हमें क्या लेना देना जी, रोज अच्छे से मांगने वाले, चेप भर के पैसे कमाने वाले, लाकर यहाँ पे रख दिया, कुछ हो या ना हो कोई आदर नहीं है।
ऐसा है तो हमसे कला नहीं होंगी और हम भी नहीं होंगे। हाँ, कला से मुझे याद आया, मेरे सिर्फ दो ही सपने हैं। पहला सपना रविंद्र भारत में हिंदुस्तान का एक महान कलाकार बनना। हाँ? दूसरा हमारे ट्रूप का ड्रामा देख के वो काशी शाबाश कहना चाहिए। हाँ, जब से आया हूँ तब से कह रहा हूँ ट्रूप ट्रूप ट्रूप, लेकिन तुम्हारे सिवा है वो ट्रूप कहीं दिखाई नहीं दिया। देखोगे क्या? देखेंगे। देखोगे? देखेंगे। देखोगे? जरूर देखेंगे। चलो, चलो।, चलो। और ये हमारा कला का स्थान दशावतार ड्रामा कंपनी। भाई सेटअप बहुत ही कड़क है भाई, बूढ़े की आंखों में अगर हमने धूल झोंक दिया तो हमारे एक साल के दारू का खर्चा निकल जाएगा भाई। अरे ये लव है और ये कुछ है, हमारे बिरादर के पक्षी है। आए हुए अतिथि को नमस्ते नहीं करोगे? चलो उठो रे। आओ पधारो हमारे मेहमान जी, आओ पधारो हमारे मेहमान जी, आधारे चुप करो। ये प्रार्थना नहीं लग रही है। हाँ? बल्कि परलोक जाने का मार्ग लग रहा है। ये तो रोज गाने वाली प्रार्थना है। इसीलिए तो गुरुजी आपको वो नहीं मिला। क्या है वो? रविंद्र भारत में प्रदर्शन करने का मौका। हाँ, मेरे ट्रूप का तुम अपमान कर रहे हो। अपमान नहीं कर रहे हैं गुरुजी, मौका कैसे मिलना चाहिए उसका रास्ता बता रहे हैं। मतलब एक बार आप यहाँ पर आ जाइए। हाँ। माय डियर और प्यारे कलाकारों, तुम्हें क्या क्या आता है एक बार प्रदर्शन करके दिखा दूं। प्रदर्शन करो। पीछे हो जा, तू शुरू कर रहे। सुनो। हाय, सही है सही है। सुनो। सही है सही है। नहीं नहीं, करो करो, तुम चुप करो। सुनो सही। सुनो सैया। सही। रिम्बोला 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 रिम्बोला। नेक्स्ट। मेरे बेटे लव, तीन बार क्यों चीखे? तीन लोग है ना गुरुजी। ये गाने जैसा नहीं है, एनाकोंडा की चीख लगती है। अगर ऐसा परफॉर्मेंस लेकर रोड पर गए ना तो हम रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी इनके स्वर में ना सुर ना लय समझ में नहीं आ रहा। वैसे ये लय क्या होता है भाई? तू चुप कर यार। ऑलरेडी क्लोज्ड। क्यों पिच पर आओ जी, रविंद्र भारती लेवल मतलब आप अकेले करेंगे तो काफी नहीं है, आपके ट्रूप को भी एकदम कड़क करना होगा। आपने घर में आसरा दिया, और भी थोड़ा अवसर देंगे तो रविंद्र भारती लेवल में पागल कर देने वाला परफॉर्मेंस करवाऊंगा। इसे यहाँ जानता कौन है? सुनो तुम, सुबह पे काबू रखना सीखो, जरूरत हो तो ही बात करो। क्या पंचिंग डायलॉग है जी, इसीलिए तो आप पिचप्पा राव से सुयोधना सरमुदु बने। हाँ ठीक है, वैसे क्या करना चाहिए हमें? वो तो आप कल देखना। यहाँ देखो भाइयों, यहाँ देखो, हमारे नरसिंहपुरम गांव में राम और भीम का युद्ध। नाटक देखो भाइयों, नाटक देखो, आज ही देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, राम और भीम का युद्ध नरसिंहपुरम गांव में। हो क्या रहा है, ये नाटक है या मजाक है? स्टेज पे आर्टिस्ट नहीं है, आगे ऑडियंस भी नहीं दिखाई दे रही है, ये हो क्या रहा है? क्या हुआ गुरुजी, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अब टेंशन नहीं तो और क्या है? देखो ना लव, ये टाइटल ही कुछ टेढ़ा है, तुम्हें क्या लगता है? खिसकाते खिसकाते उसके घर के सामने ले आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? गुरुजी आपके परफॉर्मेंस को देखकर काशी तालियां बजाएगा, जनता सीटी बजाएगी। और टाइटल की बात कर रहे हो ना, रविंद्र भारती में पिछले 5 सालों से इसी नाटक को फर्स्ट प्राइज मिल रहा है, आपको पता है क्या? फर्स्ट प्राइज? अच्छा, मैंने कभी सुना नहीं। मैंने भी। वो ऐसा हैदराबाद में होता है ना जी। हाँ। यहाँ गाँव में आने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। वैसे तुमने अभी तक मेकअप क्यों नहीं किया है? आज के दिन का डायलॉग पूरा आपका है सर, सिर्फ डायरेक्शन मेरा है इसलिए मेकअप नहीं किया। सच है क्या? प्रेक्षक और कलाकारों को ढूंढ कर लाता हूँ। ढूंढ के लाएगा? वही सर, बुला के लाता हूँ। बुला के लाएगा, जल्दी आ भाई, तब तक हम रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल? हाँ, चलो धनुष दो, तुम राग पकड़ो। थोड़ा रुकिए, मारना है तो मारो, नहीं तो बैठ जाओ। अब तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। कहाँ गया ये? ये हो क्या रहा है? ये लोग भी हमारी तरह कलाकार ही है ना जी। ओहो, क्या हो रहा है बेटा? युद्ध। युद्ध के लिए तैयार हो रहा। सुनो, हथियार संभाल के, चोट लग जाएगी। बस इतना ही ना, ठीक है। ए हारमोनियम, क्या रहा है तू? चल बजा। ओके गुरुजी। तू तो गया भीमा। <laughs> 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 <laughs>
क्या हो रहा है बेटा? युद्ध हो रहा है, युद्ध। ए, बोलने के लिए डायलॉग नहीं, आंखों पे पट्टी बंधी है। क्या ये करने के लिए गांव से यहाँ तक बुलाया तूने मुझे? बैठने का कैरेक्टर दिया है, उसमें संतुष्ट रहो। हार गया। क्या हो रहा है बेटा? तेरा मुकुट गिर गया, मैं जीत गया। ए, कोई तो दीवार कूदा। अरे इसकी तो नाटक स्टार्ट होने से पहले ही गड़बड़ कर दिया। अरे भाई आ रहे हैं, सिनो हम आ रहे हैं। ए हनुमान जल्दी चल, वहाँ गड़बड़ हो गया है, जल्दी निकल, चल जल्दी। भाई ये अपनी दीवार खुद के अंदर आया, ये क्या सर आप हर बार मुझे ही पकड़ लेते हो? ए बात क्या है रे, मेरे घर के पास ही घूम रहा है, मुझे पहले से ही तुझ पर शक हो रहा था। क्या कहा शक? माँ माता जी मैंने इसे पहले भी तो कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, मेरा नाम है लव, मैं एक नाटककार हूँ, हमारे हनुमान जी गुम हो गए हैं तो उन्हें ढूंढते हुए आया हूँ बस। अगर चाहो तो हमारे नाटक का सेटअप आपके घर के सामने लगाया देख सकते हैं। अरे ओ गुरुजी, जरा एक मिनट आओ तो। अरे बाप रे, इसने फिर से क्या कर दिया? मुझ पे भरोसा कीजिए माँ जी। हाँ माता जी, नमस्कार माता जी। हा? तुम वापस इधर आ गए? सर हमारे हनुमान जी गुम हो गए इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हनुमान घूम गया क्या? कहाँ गया हनुमान? हाँ सच्ची हनुमान घूम गया, ये देखो हमारा हनुमान आ गया। इतनी देर से कहाँ गया था बेतू? बाथरूम गया था जी, नहीं जाना चाहिए था क्या? आप बोलोगे तो आज से नहीं जाऊंगा जी। माता जी इसके बाद से ये इस घर के आसपास भी नहीं दिखेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है माता जी, बस इस बार माफ कर दो माता जी प्लीज। जाओ रे। ठीक है चलते हैं। चलो। अब क्या हो गया भाई? चैत्रा कौन है ये, पता है क्या? पता है। कैसे पता है? कैसे पता क्या सर, आपकी पत्नी है, पूरे गांव को पता है। अब ये बात मैंने भी जान ली तो क्या हो गया सर? काशी उसे छोड़ दे, चलो जाओ। एक ही आदमी बार बार मिल रहा है, वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। बाप रे, कहीं पे भी गांव में एक या दो लोग टेढ़े होते हैं, इस गांव को देखो पूरा गांव टेढ़ा है, जिंदा रहे तो लाखों पालेंगे, चलो चलते हैं। मैं नहीं आऊंगा मामा जी। अरे भांजे प्रेम के लिए जान दे दूंगा कहना, फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं, मेरी बात सुन। जब पता नहीं था कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं तब मैं जान देने की सोच रहा था, अब वो मुझसे प्यार करती है ये पता चलने के बाद आप मुझे जान बचाकर भागने के लिए कह रहे हो? मैंने चैत्रा को कह दिया है मामा जी, ये गांव अगर मैं पार करूंगा तो उसी के साथ। प्यार को पाने के लिए तुम जान देने के लिए तैयार हो, तुम्हारी दोस्ती के लिए हम उससे ज्यादा करने के लिए तैयार हैं, पर अब वो परिस्थिति नहीं है भाई। हमने पूरी कोशिश कर ली सीनू, हम कौन है वो ये जानते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जिंदा है, हम चैत्रा के लिए आए हैं, ये पता चल गया तो वो हमें मार देंगे, चलो चलते हैं। क्या हो रहा है इधर? बात यह है गुरुजी के। सीनू मुझे उल्लू बना दिया इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ, ये जो कह रहा है उसे सुन लो, उसको ये बात पता चलने से पहले तुम सबका यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। कहाँ जाएंगे जी? कहाँ जाने को कह रहे हैं? आपको पता है ना आपकी बहन की बेटी उसके कारण मर गई, फिर भी चैत्रा के माता पिता को उन्होंने बीच सड़क पे मार दिया, फिर भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अब ये लड़का उसके लिए कुछ करने की सोच रहा है तो करने दो ना, उनके लिए हम जो कर सकते थे हमने किया ना। देखो सीनू कल हमारे घर में पूजा है, चैत्रा को यहाँ लाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम सोच लो। क्यों आए हो यहाँ? माँ जी वो कल सुबह मेरे घर पूजा है, इसीलिए मैं आपको बुलाने आई हूँ, आप आएंगी ना माँ जी कल सुबह पूजा में? कोई नहीं आएगा, जाओ जाओ। रख दिया ना। चैत्रा इस गांव में तुम्हें काशी के घर से बाहर निकालना किसी के बस में नहीं है, और इतनी हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है सीनू, क्योंकि उसे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारे लिए वो जान भी दे देगा। कल हमारे घर में पूजा है, तुम्हारा वहां से बाहर आने का ये सिर्फ एक मौका है,
तुम आओगी इसकी उम्मीद है। वहां पे रखना। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हटो हटो। वो आएगी या नहीं आएगी? अरे जरूर है। दीदी ने कहा तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। दीदी ने कहा इसलिए भरोसा कर रही हो क्या? तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए भरोसा कर रही हूँ। चैत्रा! मार डालो इसे, छोड़ना मत। पूछ के आई? काशी को हल्के में ले रही हो क्या? काशी इसे छोड़ने को कहो। मैं हाथ जोड़ूंगा इसे छोड़ने को। ए काशी, पैर पड़ता हूँ उसे छोड़। चैत्रा मेरी है, मेरी बीवी, मरने तक वो मेरे साथ ही रहेगी। अरे छोड़ो ना उसको। क्या रे, अब यहाँ मरने के लिए आया है क्या? तू क्या चिल्ला रही है? तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। तेरा बेटा अगर घर में है तो बाहर आने को बोल, और अगर नहीं है तो उसको आने के बाद बोल। कल तक चैत्रा को मैं चोरी छुपे ले जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब कह रहा हूँ सुन ले, तू और तेरा बेटा, तेरे लोग, गाँव के सारे लोग देखेंगे और मैं चैत्रा को ले जाऊंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। तू मेरे बेटे को नहीं जानता। गांव में पूछेंगे तो बताएंगे ना तेरे बेटे के बारे में। मेरे गांव में नहीं पूछेंगे तो भी मेरे बारे में बता देंगे। एक बार मेरे गांव में कदम रख के देख, मैं क्या हूँ तुझे समझ में आ जाएगा। बोल उसे, मैंने कहा है बता दे। इस सीनों का सीन अगर शुरू हो गया ना तो साइड आर्टिस्ट जो भी है सब साइलेंट हो जाएंगे। चलो मामा।
मर्द है वो, जिसे वो लेने आया था उसे वो लेकर गया। अब चैत्रा को टच करने के लिए काशी नहीं उसकी देवी को उतरना होगा। अब क्या करेंगे? हरामखोर को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उससे पहले उसके गांव में हमें होना चाहिए। चलो रे। ठीक है। एए! मरने के लिए पार्वतीपुरम से यहां तक आया है तू? तू बस 10 मिनट वेट कर, तुझे खत्म करने के लिए मेरा बेटा बस आ ही रहा है। मार डालेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। चल 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 आ! ए, गांव की जनता के सामने इसे ले जाने का चैलेंज किया और ले गया। शाबाश। अब मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, गांव की जनता के सामने तुझे मारकर उसे ले जाएगा मेरा बेटा। मार डालो रे इसे। काशी Oh, oh, oh.